तो अपने इंडिकेटरों की कंडीशन कुछ ऐसी है। अब ये साफ़ नहीं होते, पानी या शैम्पू सर्फ से ये साफ़ नहीं होंगे, इन पे शाइन नहीं आएगी। तो उसके लिए हमको निकल पाउडर का यूज़ करना पड़ेगा, और निकल पाउडर है मेरे पास, मैं काफ़ी रखता हूँ क्योंकि बार बार खरीदने नहीं जाना पड़ेगा उसको, एक ही बार 4-5 पैकेट ले आता हूँ। और जो निकल पाउडर है वो सिर्फ आता है 10 रुपये का, और इसकी हालत देख सकते हैं आप, कुछ ऐसी हो चुकी है, इतनी गंदी हो चुकी है जैसे किसी ने गुटखा थूक दिया भाई। तो हे दोस्तों, स्वागत है आपका, मैं हूँ सोमवीर और आप देख रहे हैं एसवी मोड्स। तो मेरी बाइक हो चुकी है काफ़ी गंदी, और उसकी करवाने वाला हूँ मैं वॉशिंग। वो ऐसी वैसी वॉशिंग भी नहीं, डीजल वॉश करवाएंगे हम, लेकिन उससे पहले कुछ छोटे मोटे पार्ट्स हैं जिनको हम खुद साफ़ करेंगे, क्योंकि वो वॉशिंग से साफ़ नहीं होंगे। जैसे हमारे इंडिकेटर्स हैं या फिर हमारा इंजन है, जो पानी या सर्फ शैम्पू से किसी से भी साफ़ नहीं होते, उनके लिए अलग से ट्रीटमेंट देना पड़ेगा हमको उनका। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो इंडिकेटर साफ़ करने के लिए हमको चाहिए होगा पहले एक कपड़ा, आप कोई सा भी कपड़ा ले सकते हैं, क्योंकि ये पहले साफ़ करने ज़रूरी हैं, उसके बाद ही हम इन पे जो निकल पाउडर है वो लगाएंगे। और उसका प्रोसीजर कुछ इस तरह है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले इसको साफ़ कर लेते हैं हम ऐसे, ताकि इस पे डस्ट वगैरह ना रहे। तो हमने ले लिए कटोरी, उसमें है इतना सा पानी, और ये रहा हमारा निकल पाउडर। तो अब हम इसमें थोड़ा सा मिला लेते हैं। अब हम इसको लगाते हैं अपने इंडिकेटर पे। तो बस आपको लगाना है, हल्का हल्का रब करना है, और उसको काफ़ी टाइम के लिए छोड़ देना है। मतलब काफ़ी टाइम, इतना कि 10-1 मिनट हो जाए, इसको सूख जाए, ताकि ये अच्छी तरह, सदियों के लिए नहीं छोड़ना है इसको। तो इसको हम अच्छी तरह सब जगह अप्लाई कर लेते हैं, ऊपर नीचे की तरफ। तो हमने इसको 5-7 मिनट रब कर दिया है, उसके बाद हम इस पर भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि इस पर पॉलिश लगती है, लेकिन पॉलिश की जगह ये भी लगा सकते हो। बस आपको ये भी ज़्यादा रब नहीं करना है, इस पर लगा के छोड़ देना है। तो चलिए लगाते हैं हम इस पर। और इसके अलावा आप इस पर हैंडल पे भी इसका यूज़ कर सकते हैं, हैंडल पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉलिश अच्छी तरह नहीं लगती। इसको लगाने के बाद आप छोड़ सकते हैं और बाद में साफ़ कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी हद तक इस पर ज़्यादा असर पड़ेगा, साफ़ हो जाता है बिल्कुल। आपको दिखाऊंगा मैं कितना साफ हो गया है ये। तो ये पाउडर है वो सूख चुका है, देख सकते हैं आप कैसे झड़झड़ के गिर रहा है। और अब हम इसको एक कपड़े की मदद से साफ कर लेते हैं, और उसके बाद आप देखिएगा कितना बढ़िया शाइन करेंगे ये। उसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको चारों इंडिकेटर साफ करने के बाद। इसको कर लेते हैं साफ, और उसके बाद देखिएगा आप इसकी चमक कैसी चमक रहेगी इसकी। आप सूती कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं इस पर साफ करने के लिए, और इसको ज़्यादा रब नहीं करना है, मतलब ज़्यादा दबा के नहीं रब करना, इसको बस हल्के हाथ से उतार लेना है ये। उसके बाद इसकी शाइन देखिए, ये बिल्कुल नए जैसे लग रहे हैं। ये पहले मैं ऐसे ही साफ़ करता था, कभी डीजल से कभी किसी चीज़ से, मेरे को पता नहीं था कि इस चीज़ से साफ़ होते हैं। और अब इसकी चमक देखना, मात्र 10 रुपये का कमाल है भाई ये। कहीं हम कुछ भी हो जाए, बदलवाने चले जाते हैं, 400-500 रुपये लगा लेते हैं, फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे जो फ़र्क पड़ रहा है ना, वो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त शाइन आ रही है इसमें। जितना साफ कर सकते हैं उतनी अच्छी शाइन आ रही है।
तो देखा आपने हम 10 रुपए में कितना कुछ कर सकते हैं, और ऐसे ही हम अपने बाइकों के इंडिकेटर चमका सकते हैं, साथ में अपनी लाइट भी चमका सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। ऐसे ही अपना साथ मेरे साथ बनाए रखिएगा। धन्यवाद। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में।